नमस्कार, बॉलीवुड स्पॉटेड न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे अर्जुन बिदलानी की। जी हाँ, वही अर्जुन बिदलानी जिन्होंने अपनी शुरुआत टीवी की दुनिया से की थी। टीवी की दुनिया का जाना पहचाना चेहरा है ये। नागिन सीरियल में इन्होंने बहुत अच्छी टीआरपी में काम किया। और अर्जुन बिदलानी की बात की तो कल उन्होंने मुंबई में एक सॉन्ग लॉन्च किया है, एक सोफी सॉन्ग है, उसे आपको सुनना चाहिए। बहुत अच्छा सॉन्ग है, एक नई शुरुआत की है अर्जुन बिजलानी ने। गाना हमें भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ये एक मोहब्बत की याद दिलाता है सॉन्ग के बारे में अगर देखा जाए, जिस तरीके से डायरेक्शन की गई है इस गाने को लेकर, एक एक्टिंग की गई है अर्जुन बिजलानी की तरफ से। उनके को स्टार ने बहुत उनका सपोर्ट किया उस एड के बारे में। सॉन्ग बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत है। एक अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, इतनी बड़ी स्टोरी की अगर बात की जाए, एक छोटे से 3 से 3.5 मिनट में स्टोरी को पूरा निकाला गया एक गाने के ज़रिए। बहुत ही अच्छा है, अर्जुन बिदलानी उसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जब उनसे बात करी हमने कि अर्जुन आपका फ़र्स्ट टाइम ये रिएक्शन कैसा था, तो अर्जुन ने कहा कि जब उनके डायरेक्टर ने उनसे बात करी सॉन्ग के बारे में, तो उन्होंने वो स्टोरी सुनते साथ में ही उन्होंने कह दिया कि हाँ, मैं ये सॉन्ग करने के लिए तैयार हूँ और मैं करूँगा ये सॉन्ग। फिर अर्जुन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे उस चीज़ को लेकर कि उन्हें ये चीज़ कैसे करनी है, कब करनी है। अर्जुन के पास में टाइम नहीं था इसको लेकर। यही बात हम अर्जुन से, किस तरीके से अर्जुन का एक्सपीरियंस रहा इस गाने को लेकर, उनके को स्टार को लेकर, अर्जुन की अगर माने तो अर्जुन का ये कहना है कि वो बहुत जल्दी ये गाना करना चाहते थे पर उनके पास में टाइम नहीं थे, और एक अच्छी शुरुआत की गई है इस सॉन्ग को लेकर। बॉलीवुड स्पॉटेड न्यूज़ में आपका धन्यवाद करता है और ये कहता है कि आप देखिए इस सॉन्ग को, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और अगर आपकी कोई भी जानकारी हो जाना चाहते हो तो आप हमें फॉलो कीजिए। बात करते हैं हम अर्जुन बिदलानी से। लव यू टू सर। और दूसरी बात ये कि ये गाना मैंने इसलिए किया क्योंकि जब कमल सर ने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यूजुअली हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा टैबू माना जाता है, हालांकि अब इतना नहीं है लेकिन फिर भी है। तो मुझे लगा कि यार एक डिवोर्सी लड़की है और ऐसा नहीं है कि किसी को उससे पहली नज़र में प्यार नहीं हो सकता या वो बात आगे नहीं बढ़ सकती, तो आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट दिस थिंग इन आर सोसाइटी। तो एक अच्छा मैसेज भी था गाने में और गाना भी बहुत खूबसूरत लिखा गया है राशिद भाई ने, और बहुत अच्छा म्यूज़िक भी दिया है उन्होंने, एंड दीपक जी प्रोड्यूसर हैं। और बहुत मज़ा आया शूट करते हैं, हम आगरा में शूट कर रहे थे, हालांकि बड़ी दिक्कतें भी हुई क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, बट फिर भी हमने दिन रात एक करके गाना कंप्लीट किया, वहां पर निकाल दिया। बारिश अगर शायद कम होती तो और बेहतर होता, लेकिन इट इज़ स्टिल अमेजिंग थैंक्स टू यू एंड आई थिंक एवरीबडी वर्क रियली हार्ड ऑन इट। एंड अब ये गाना आप लोगों का है, लोगों का है, और हम चाहते हैं कि लोग गाने को भी पसंद करें, वीडियो को भी पसंद करें, और ख़ास करके इसमें जो मैसेज दिया गया है वो लोगों तक पहुंचे और उसे भी लोग अपनी इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्ट करें। एंड आई जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग कि इस गाने के अगर आप लिरिक्स पे ध्यान दो तो बहुत ही, जैसे पहले के गाने होते थे बहुत खूबसूरती से लिखे जाते थे, उसके लिरिक्स में जो है बहुत मीनिंग होता था। तो जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे लगा ये यू नो वैसा गाना है जो यू नो इट्स मीनिंगफुल। यू नो तो राशिद भाई बहुत कमाल लिखते हैं आप और बहुत डीप गाने लिखते हो, जिसका बस आजकल के कई गाने ऐसे होते हैं विच रियली डोंट मेक सेंस, बट दिस इज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट मेक सेंस। एंड आई जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये करूँगा, और जब इन्होंने कहानी सुनाई तो मैंने कहा था ये मैं डेफिनेटली करूँगा।